हेलो एवरीवन, यहाँ मैं छोटा सा और झटपट एक केक बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पार्ले जी का एक पैकेट बिस्किट लिया है और दो छोटा पैकेट ओरियो का लिया है। तो चलते बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं पार्ले जी बिस्किट को टुकड़ों में करके इसको मिक्सर में पीस लूँगी। तो यहाँ मैंने पार्ले जी बिस्किट को पीस लिया है और अब मैं इसी तरह से ओरियो बिस्किट जो है उसको भी मैं टुकड़ों में करके और मिक्सर में पीस लूँगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप बिस्किट के साथ थोड़ा सा चीनी लेके पीस सकते हैं, और नहीं तो ये बिस्किट तो खुद ही मीठा होता है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब बस इस प्लेट में मैंने ऑयल अच्छे से लगा के और इसको, ये जो मैंने बिस्किट का तैयार किया है, इसमें खूब अच्छे से जमा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं पार्ले जी का जो पाउडर था उसको मैंने अच्छे से प्लेट में जमा लिया है। तो यहाँ मैं जो है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ली हूँ और जो छोटी इलायची होती है उसमें से 3 छोटी इलायची के मैंने बीज लिया है, और ये जो लाई होता है जिसको भूजा भी कहते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा लेके इसी के साथ, तो 2 मुट्ठी में ये ले रही हूँ। इसी के साथ मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। तो यहाँ खूब अच्छे से मैं इसको चारों तरफ से डाल दूँगी और ये जो साइड साइड से है इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल लूँगी और इसको अभी मैं कपड़े से ऐसे साफ़ कर ले रही हूँ। तो अब बस मैं इसको साइड में रख दूँगी और यहाँ पे मैंने जो ओरियो बिस्किट को पीसा है इसको भी मैं ऐसे दूध डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध के साथ, और तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको सेट कर लिया। और इसको चिकना करने के लिए मैंने फिंगर पे जो है थोड़ा सा ऑयल लेके और इसको अच्छे से बराबर से इसको सेट किया है। अब मैं इसको जा रही हूँ आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रखने। या तो आपको तुरंत बनाना है तो आप थोड़े टाइम के लिए इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से सेट होके निकलेगा। तो ये देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया है, आधा घंटा हो चुका है। अब इसको आप चम्मच या चक्कू की सहायता से थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। अब आप इसको फिंगर की हेल्प से आप इसको ऐसे चिकना कर लीजिए, क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी इसमें मैंने कटोरी में लगाया था। ये देखिए इसे चारों तरफ से अच्छे से सेट करके चिकना कर लीजिए। अब ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीसा था इसको मैं इस पर डाल दूँगी अच्छे से। अगर आपके पास चॉकलेट हो तो उसको आप घिस के इस पर डाल सकते हैं वो भी। बस इसको मैं चारों तरफ से अच्छे से लगा लूँगी। आपके पास जो भी मतलब केक पे डेकोरेट के लिए जो भी सामान आता है अगर आपके पास है तो आप इसको जैसे चाहें अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो साइड से है सबको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा झटपट सिंपल केक बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी फटाफट बनाइए और इन्जॉय कीजिए केक। बाय बाय। तो ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है।